जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे बुधवार को गुजरात आ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर साबरमती आश्रम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो अबे का रोड शो होगा। साबरमती आश्रम पहुंचकर दोनों नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। मोदी और अबे गुरुवार को साबरमती रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन नेटवर्क की नींव रखेंगे। शिंजो अबे बार में भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि भारत के लिए जापान के साथ रिश्ते काफी अहम है। दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी और शिंजो अबे पिछले 3 साल में एक दूसरे से 10 बार मिल चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। नेताओं को भी हिसाब देना पड़े ऐसी स्थिति करी, इसलिए ज्यादातर नेता अमेरिका वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर भाषण ठोक कर आते हैं। देश में कोई सुनता नहीं, इनकी समस्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने कहा कि एक नया भारत बन रहा है जिसमें देश को नुकसान पहुंच रहा है। पीपल बीइंग लिंच्ड बिकॉज़ दे आर दलित्स, मुस्लिम्स किल्ड ऑन सस्पिशन ऑफ ईटिंग बीफ, दिस इज न्यू इन इंडिया एंड डैमेजेस इंडिया वेरी बैडली। द पॉलिटिक्स ऑफ हेट डिवाइड्स एंड पोलराइजेस इंडिया, मेकिंग मिलियंस ऑफ पीपल फील that they have no future in their own country। देश के नागरिकों द्वारा उनके इस कथन का समर्थन ना प्राप्त होने के बाद अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो बोला उसमें कुछ भी गलत नहीं है। श्री राहुल गांधी ने अगर आज के वातावरण पर टिप्पणी करी, वो कोई प्रधानमंत्री को नीचा नहीं दिखाया। राहुल गांधी ने एक स्टेट्समैन की तरह से स्वीकार किया, जहां खामियों को भी स्वीकार किया, वहां ये भी कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए लोगों से मुलाकात की। 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो टीएमसी के विचारों से सहमत नहीं होते। बीरभूम और बारासात में पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लगे थे। दुनिया में किसी कोई जगह पे इससे ज्यादा पॉलिटिकल हिंसा होती होगी, इससे ज्यादा निर्मम पॉलिटिकल हिंसा होती होगी। अनेक लोगों को अपने जान से हाथ धोने पड़े हैं, किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, घर जला दिया, दुकान जला दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 5 महीने के भीतर दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ममता बनर्जी सरकार ने इस दौरे में अमित शाह के कई कार्यक्रमों के लिए इजाजत नहीं दी। रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से बाहर भेजने की कोशिशों पर संयुक्त राष्ट्र की निंदा का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव के चंदर ने कहा कि अन्य देशों की तरह ही भारत भी अवैध प्रवासियों को लेकर चिंतित है, खासकर तब जबकि सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। देश में कानून को लागू करवाने का मतलब किसी के प्रति दया भाव में कमी आना नहीं है। राजीव के चंदर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रमुख जैद राद अल हुसैन के बयान से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आजादी और हक को गलत तरीके से बढ़ावा देने वाला है। महंगाई 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 2.36% थी, जो अगस्त में 3.36% हो गई, जबकि मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.89% थी। महीने दर महीने के आधार पर अगस्त में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 1.52% हो गई। पिछले महीने सब्जियों की रिटेल महंगाई दर भी -3.57% से बढ़कर 6.16% रही। गुरुग्राम के रायन स्कूल में मारे गए छात्र प्रद्युम्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रद्युम्न पर यौन हमला नहीं हुआ, उसके गले को चाकू से काटा गया और गले की वो नली काटी गई जिससे इंसान बोलता है। इसी वजह से प्रद्युम्न चीख नहीं पाया। खून ज्यादा बहने की वजह से प्रद्युम्न की मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस की टीम आज वारदात वाली जगह से फॉरेंसिक सैंपल जुटाने रायन स्कूल पहुंची। जो इमीडिएट इवेंट हुआ और जो उसका बैकग्राउंड में जिस जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए जिसकी वजह से वो इवेंट पॉसिबल हो सका, उसमें हम विभिन्न जो इसमें जो लोग हैं उनके रोल्स डिटरमिन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, अथॉरिटीज।
प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी कंडक्टर अशोक को 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तनाव को देखते हुए गुरुग्राम का रायन स्कूल 2 दिन और बंद रहेगा। प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने आज मुंबई में रायन इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ और मैनेजमेंट के कई लोगों से काफी देर तक पूछताछ की। वहीं रायन ग्रुप के तीनों मालिकों की गिरफ्तारी आज टल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी पर रायन के चेयरमैन ऑगस्टिन पिंटो, एमडी ग्रेस पिंटो और सीईओ रायन पिंटो की गिरफ्तारी कल तक टाली है। कोर्ट कल फिर से सुनवाई करेगा। आज तो लिमिटेड रिलीफ मांगा है कि मुझे चंडीगढ़ जाने के लिए मुझे प्रोटेक्ट करो, ताकि कोई बीच में मुझे अरेस्ट करे और मेरी डिफेमेशन हो जाए और मुझे अननेसेसरली अरेस्ट किया जाए। प्रद्युम्न के पिता पिंटो फैमिली की अग्रिम जमानत के खिलाफ अर्जी दे सकते हैं। पुलिस रायन इंटरनेशनल की रीजनल हेड और एचआर हेड को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली और मुंबई में रायन स्कूल पर आज भी अभिभावकों ने प्रदर्शन किए। रायन इंटरनेशनल देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्कूल चेन है। देश विदेश में इसके 135 स्कूल हैं, जिनमें 3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन तय करने की तरफ बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 2 महिला वकीलों की याचिका आज मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत 3 जजों की बेंच इस पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि प्रद्युम्न के मर्डर के बाद देश भर के स्कूलों में असुरक्षा का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी गाइडलाइन का स्कूल पालन नहीं करते हैं, लिहाजा अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए। गाइडलाइन का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने भी सीबीआई जांच को लेकर याचिका में ऐसी घटनाओं में स्कूल की जवाबदेही तय करने और घटनाओं की सुनवाई के लिए ट्राइब्यूनल बनाने की मांग की है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के मोबाइल टावर कारोबार को सरकार ने अलग कंपनी बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फैसले से मोबाइल टावर कारोबार में बीएसएनएल के मुनाफे में भारी इजाफे की उम्मीद है। देश में करीब 4,42,000 मोबाइल टावर हैं, इनमें से 66,000 बीएसएनएल के हैं। कंपनी पर बीएसएनएल का ही नियंत्रण रहेगा। आज कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड को भी अधिकार प्रदान कर दिया है कि वो एक सब्सिडियरी बना करके, जिसका पूरा स्वामित्व भारत संचार निगम लिमिटेड का होगा, टावर की फुल पोटेंशियलिटी को हार्नेस करने का काम कर सके। कैबिनेट ने 2 और बड़े फैसले भी लिए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1% बढ़ाते हुए 5% कर दिया गया है। इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। कैबिनेट ने ग्रेच्युटी संशोधन बिल को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दे दी। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाएगी। गृह मंत्रालय कई नेताओं को मिली वीआईपी सुरक्षा में कटौती की तैयारी कर रहा है। इस पर चर्चा के लिए कल गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उन नेताओं की लिस्ट तैयार की है जिन्हें Z+, ZX और Y सुरक्षा मिली है और इस लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार कई पूर्व मुख्यमंत्रियों, कुछ सांसदों और विपक्ष के नेताओं को मिली सुरक्षा वापस ले सकती है या फिर उसकी श्रेणी कम की जा सकती है। यमन में आतंकी संगठन ISIS के कब्जे से भारतीय पादरी टॉम उजुन लिल को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनकी रिहाई की जानकारी दी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि फादर टॉम उजुन लिल को छुड़ा लिया गया है। फादर टॉम केरल के रहने वाले हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने उनकी रिहाई पर खुशी जताई है। फादर टॉम को पिछले साल मार्च में अदन शहर के एक ओल्ड एज होम से अगवा किया गया था। शहीद भगत सिंह को मिली फांसी की सजा को गलत ठहराने संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के इम्तियाज राशिद कुरैशी ने दायर की। कुरैशी ने पाकिस्तान सरकार से लाहौर में शादमान चौक पर शहीद भगत सिंह की एक प्रतिमा लगाने की भी मांग की है। इससे पहले भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने शहीद भगत सिंह के केस को खोलने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दी थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट की एक बेंच ने चीफ जस्टिस से बड़ी बेंच बनाने के लिए गुजारिश की थी।
पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया है कि पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC में बाधा पहुंचाने के इरादे से बलूचिस्तान में घुसे थे। एहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सबूत के तौर पर रखेगी कि जाधव CPEC के निर्माण में बाधा पहुंचाने के इरादे से बलूचिस्तान आए थे। इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत जासूस साबित करते हुए फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसके बाद भारत ने फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील दायर की थी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भारत से कुलभूषण जाधव मामले में 13 सितंबर तक दलीलें पूरी करने को कहा है।